शादी के लिए मंडप सजाने जंगल से खखर और जामुन के पत्ते लेने पहुंचे एक परिवार के सदस्यों को वन विभाग के अमले ने लकड़ी चोरी के आरोप में पकड़ लिया और ट्रैक्टर जब्त कर धाराएं लगा दी। मामला विदिशा जिले के पुरागसाई का बताया जा रहा है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर और वन मंत्री गौरी शंकर सेजवार से भी की थी। मंत्री के निर्देश पर विदिशा TFO सहित ग्यारसपुर बासोदा और अन्य वनकर्मी जंगल में पेड़ की तलाश करने पहुंचे थे। वन विभाग की कार्यवाही पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जगह से हम लोगों ने पत्ते लिए हैं वहां वन अमला जाने को तैयार नहीं है और हमें सागवान के कटे वृक्ष बताए जा रहे हैं जो रवि रघुवंशी और राहुल चंदेल नाकेदार ने काटे हैं। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि राजेश मीना और ज्वाल सिंह मीना ने पत्ते तोड़ने के लिए सहमति भी ली थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हम लोगों को बेवजह उलझा दिया और आरोपी बना दिया। वहीं इस पूरे मामले में विदिशा के CF रविंद्र सक्सेना का कहना है कि सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है, मामले की जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मेरे लाने जबरन मुझ से चेट गए और चेटने के बाद में साहब मुझे एक सागवान की लकड़ी पे बिठान कर जबरदस्ती फोटो खींचे और इतनी भयंकर खतरनाक गाड़ी दी। अंदर आन गिनने सागवान काट के नाकेदारों ने सागवान ने जी आप गलत इंजाम हम पे लगवा रहे हैं, सागवान काटा है और सागवान हमने काटा ही नहीं। विवाद जिस शादी थी मेरी बच्ची को 23 तारीख को मड़वा था, 24 तारीख की भावड़ थी, तो कुछ हमारे जो रीति रिवाज होते हैं मड़वा के रोज जामुन के पत्ता और खकरे के पत्ते जो लाते हैं और मड़वा डालते हैं। ट्रैक्टर के चारों ओर घूम कर देखा, कहने लगे कि ये तो 5 लाख का ट्रैक्टर है, कहले 50,000 रुपये तो दो। हमारे लोगों ने पैसा देने से इनकार किया, इन्होंने गाली गलौज करी। गाली गलौज करते हुए इन्होंने कहा कि अगर आप 50,000 रुपये नहीं देते हो तो झूठा सागवान का प्रकरण आपके ऊपर दर्ज करवा देंगे। नहीं, घटना वाले दिन हमारा स्टाफ जंगल गश्ती पे था और इन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी देखी जिसमें कुछ अवैध रूप से काटी गई वनोपज रखी थी, और जब उन्होंने कार्रवाई करी है तो गाँव वाले जिसके घर में शादी थी उनके यहाँ से कुछ लोग इकट्ठे होकर एक गाड़ी से पहुंचे और इन्होंने वन रक्षकों के साथ मारपीट करके वो गाड़ी छुड़ा के ले गए। लकड़ी काटने के ऊपर विवाद हुआ था, या हम लोग हमारे वन रक्षक अपने जंगल में अपने नियमानुसार कार्य कर रहे थे। शायद शादी के घर वालों को उनको मंडप बनाने के लिए कुछ लकड़ी चाहिए होगी तो वो काटने गए थे जंगल में। विदिशा से राजेश रघुवंशी, सागर TV न्यूज़।